अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक और विभागीय निरीक्षक रेल रायपुर के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जीआरपी चौकी चरोदा क्षेत्र अंतर्गत जी केबिन में महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित कानून एवं साइबर अपराध से सुरक्षा और पास्को एक्ट के संबंध में जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्रीमान रेल पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा तथा उप पुलिस अधीक्षक महोदय रेल रायपुर श्री एस एन अख्तर के निर्देशानुसार जीआरपी चौकी चरोदा के अंतर्गत जी केबिन बस्ती में महिलाओं को अभिव्यक्ति नारी के सम्मान के तारतम्य में विभागीय निरीक्षक रेल रायपुर आई ए खैरानी तथा चौकी प्रभारी जीआरपी चरोदा महेंद्र प्रसाद द्वारा महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित कानून एवं साइबर अपराध साथ ही सुरक्षा और पास्को एक्ट के संबंध में जानकारियां दी गई। साथ ही सामाजिक बुराइयां, नशे से दूर रहना, अपने छोटे बच्चों को जागरूक करना, अनजान व्यक्ति से सहायता न लेना, इसे लेकर सतर्क किया गया। साथ ही फेसबुक सोशल मीडिया में अनजान व्यक्ति से दूर रहने और मोहल्ले में आए अनजान व्यक्ति से भी दूर रहने के संबंध में पुलिस को तत्काल सूचना देने हेतु जागरूक किया गया। बच्चों को गुड टच व बैड टच के संबंध में जानकारियां दी गई। इसे लेकर विभागीय निरीक्षक रायपुर आई ए खैरानी और जीआरपी चरोदा चौकी प्रभारी महेंद्र प्रसाद पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय रेल एवं डीएसपी साहब के मार्गदर्शन में पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार पूरे सप्ताह जो है 8 से 14 तक का नारी सम्मान के तहत आयोजन करना है। सभी जगह देहात क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में, भीड़भाड़ वाली जगहों में नारियों को, बच्चों को जागरूक करना है, सम्मान के लिए उनको जागरूक करना है, कानून के लिए बच्चों को कानून की जानकारी देना है, महिलाओं को कानून की जानकारी देना है। इसी तारतम्य में हम लोग आज चरोदा में जागरूकता शिविर आयोजित किए थे, जिस महिलाएँ बच्चे इकट्ठा हुए उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत एवं इंडियन पिनल कोड के तहत महिलाओं को क्या अधिकार और क्या कानूनी प्रावधान है जिसके बारे में जानकारी दी गई, और साइबर क्राइम एवं अभिव्यक्ति एक ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर में जा करके, और उसमें सभी प्रकार की शिकायतें महिलाएं और बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभिव्यक्ति ऐप के जरिए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। उसमें किसी जगह जाने की जरूरत नहीं, उसमें सभी जानकारी उनको मिल जाएगी, समय से उनकी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय बाल महिला दिवस के शुभ अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेल रायपुर राजेश कुकरेजा महोदय, श्रीमान डीएसपी श्री अख्तर महोदय एवं विभागीय निरीक्षक महोदय के आदेशानुसार महिलाओं का एकत्रित करके और अपराध से संबंधित उनको जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें महिला उत्पीड़न से बचाओ, दहेज प्रताड़ना, बच्चों के उत्पीड़न से बचाओ और अपराध से कैसे बचना है, इससे संबंधित इनको जानकारी दिया गया है, और नशे से दूर रहना और समझाइश दिया गया है, और अपने सुरक्षित बच्चों को रखना। मजदूर व्यक्ति रहते हैं पूरा, ये सब चीज़ की जानकारी उन लोग को मिलती नहीं है। मैडम यहाँ आए, सब चीज़ के बारे में जानकारी दी, इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने वार्ड के लोगों को कहती हूँ कि ये सब चीज़ बातें में अमल करें। बहरहाल इस अवसर पर महिलाओं का सम्मान भी जीआरपी पुलिस के द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट।